मान्यवर, 370 जाने से जम्मू कश्मीर में किसी के साथ अन्याय हो इस संभावना को ही समाप्त कर दिया गया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, 2014-15 से 19 तक 4164 करोड़ रुपया की धनराशि जम्मू कश्मीर सरकार के थ्रू लद्दाख में गई थी। हम कितना भेजे उसका महत्व ही नहीं था, वो लद्दाख पहुंचती नहीं थी। तो 14 से 19 के बीच में 4164 और 31-10-19 मतलब 370 जाने के बाद अधिरंजन जी 31-3-20 तक 3518 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। जो 5 साल में मिलता था वो 17 महीनों में मिला है लद्दाख वालों को। मान्यवर इतना ही नहीं है, लद्दाख को 2 नए डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया, सब 17 महीने में ही हुआ सुमति जी। लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार ने बनाए हैं, 5 नए ट्रैकिंग रूट्स भी खोले गए हैं, सुदूर विद्यार्थी क्षेत्रों में सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर की व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे टूरिज्म बढ़े। लगभग लद्दाख में 7500 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, जो लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन होगी, ढेर सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली उसको रिवाइव किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा की स्थापना नवंबर 2019 की कैबिनेट में कर दी गई है, कारगिल हवाई अड्डे के व्यवहार्य अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लद्दाख और लद्दाख प्रशासन और अपने विमानपत्तन विभाग इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 28,870 ऐसे पौधे जो ठंडी में भी जिंदा रह पाए उनको लगाने का काम किया गया है। ई गवर्नेंस की दिशा में गांव तक ई गवर्नेंस पहुंचे इसके लिए ढेर सारी सुविधाएं कई ई स्टैंप शुरू कर दिया है, ई कोर्ट फी शुरू कर दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अनुमोदन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विकास पैकेज के तहत जो 80,000 करोड़ रुपया था उसमें इसका उचित हिस्सा भी लद्दाख को दे दिया गया है। और सभी राज्यों के जैसे यहाँ पर गुजरात भवन होता है, यूपी भवन होता है, बिहार सदन होता है, लद्दाख को भी 70 साल के बाद अपना भवन और सदन यहाँ पर मिला। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं वहाँ पर थी उसमें लगभग 80% कवरेज कर दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 11 पुलों और 578 किलोमीटर रोड का काम हाथ पे लिया गया है। जो जिला टनल का काम शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए 80 सेट फोन और 124 वास्ट स्थापित किए गए हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कारगिल में लेह में 500 KW के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए गए, 11 KV की और 66.25 KM और 42 KM LT लाइन बिछाई गई है। 3 गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं, 20-बेडेड अस्पताल कारगिल के अंदर बनाए गए, ट्रेजरी सिस्टम की जगह PMFS लागू किया है जिससे अनुकूलता हो। लेह में 1000 MT का कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम पूरा कर दिया गया है जिससे इतने ठंडी वाले प्रदेश में उनको कोई कठिनाई का सामना न पड़े। पश्मीना गुड्स की संख्या में लगभग ये 17 महीने में 8% वृद्धि दर्ज की है जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं बढ़ा गया। लद्दाख के पिछले क्षेत्र के लिए विकास पैकेज लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में लद्दाख को मिलने वाला है।